मैडम, मैं त्राटक करना चाहती हूँ, मैं त्राटक को समझना चाहती हूँ, मैं त्राटक को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहती हूँ। आपकी गाइडेंस में मुझे त्राटक सीखना है, लेकिन मैं त्राटक को मैडम जितना डिस्कस करती हूँ, जितना मैं अपने परिवार को बताती हूँ, कोई भी मुझे सेम रिस्पॉन्स नहीं देता, कोई मेरी फीलिंग्स को अप्रिशिएट नहीं करता, कोई मेरे इस सोच को अप्रिशिएट नहीं करता, हर कोई मुझे डीमोटिवेट करता है कि नहीं, त्राटक नहीं करना चाहिए, क्योंकि त्राटक एक जादू टोना है, त्राटक अच्छी चीज़ नहीं है। अगर त्राटक करोगी या फिर कोई भी ध्यान करोगी तो तुम अपने परिवार को छोड़ दोगी, या फिर अपने परिवार को छोड़ दोगी, तुम अपने परिवार से डिटैच होने लग जाओगे, भूल जाओगे कि तुम एक शादीशुदा औरत हो, भूल जाओगे कि तुम एक पिता हो, भूल जाओगे कि तुम एक माँ हो, भूल जाओगे कि तुम्हारी एक जिम्मेदारियाँ हैं अपने पति के लिए, या फिर पति की कोई जिम्मेदारी है पत्नी के लिए। डिटैच होने लग जाओगे, जैसे गौतम बुद्ध हुए थे, जैसे और भी महान संत हुए थे। तो इसीलिए त्राटक नहीं करना चाहिए। और जो लोग त्राटक को करते हैं ना, वो लोग ना त्राटक को गलत यूज़ के लिए करते हैं। उनको लगता है कि त्राटक से वो बहुत सारी सिद्धियां हासिल कर लेंगे, शक्तियां हासिल कर लेंगे, जिससे वो किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में वो काम कर सकते हैं जो वो काम करना असंभव मानते थे। नमस्कार, मैं साइकोलॉजिस्ट पूनम शर्मा शांति काउंसलिंग सर्विसेज से। मैं मानती हूँ कि आपको आपके काम के लिए कभी और कहीं से सपोर्ट नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैंने क्या कहा है कि आपकी खुशी से, आपके अच्छे काम से, आपकी सक्सेस से, आपके लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे ना, उन पॉजिटिव चेंजेस से सिर्फ और सिर्फ आपको खुद को अच्छा फील होगा, आपको खुशी होगी, आपके पड़ोसियों को नहीं होगी, इनफैक्ट आपके घर वालों को भी नहीं होगी, इनफैक्ट आपके उन रिलेशन को भी नहीं होगी जिनका आपसे ब्लड रिलेशन है। मानिए इस बात को, क्योंकि कोई भी आज की डेट में नहीं चाहता कि हम अच्छा करें, हम अच्छी सोच रखें। कई लोगों ने ना त्राटक के बारे में ऐसा गलत धारणा, ऐसे गलत विचार फैला दिए हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है मुझ अकेले पर्सन को सबकी आंखों के सामने से वो पर्दा हटाना। क्योंकि YouTube में ना इतना ओपनली लोगों ने चैलेंजेस के साथ बोला है कि त्राटक ये कर सकता है, त्राटक वो कर सकता है, त्राटक आपको ये दे देगा, त्राटक आपको ये दे देगा, त्राटक आपके जीवन में ये सब कर देगा, पता नहीं क्या क्या बोला है। तो देखिए, फैक्ट पर आइए, पर्सन टू पर्सन त्राटक के एक्सपीरियंस अलग अलग देखे गए हैं। मैं मानती हूँ त्राटक ध्यान का पार्ट है, लेकिन त्राटक एक कंप्लीट ऐसा पैकेज है जो हमें बाकी सभी ध्यानों के करने की समझ देता है। तो त्राटक को करिए, आप किसी से डिस्कस मत करिए। जितना आप किसी से डिस्कस करेंगे वो आपको नहीं समझेंगे, आपके इस काम को नहीं समझेंगे। घर बैठे बैठे अगर 10 मिनट हम किसी काम को देते हैं तो क्या हर्ज है? आपको किसी चीज़ को देखना है, लोगों के लिए ये साधारण सी बात है। हर इंसान को लगेगा कि देखना ही तो है, लाओ मैं देख के दिखाता हूँ। देखिए, मैं कहती हूँ, मेरा पूरा चैलेंज है, 100% मेरी पूरी गारंटी है, आप किसी को देख के दिखाइए और आप निकाल के दिखाइए कलर्स, आप निकाल के दिखाइए कोई इमेज, आप निकाल के दिखाइए, मैं मान जाऊँगी, आप विजुलाइज करके दिखाइए। नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि त्राटक कोई ख़राब चीज़ है, बिल्कुल ख़राब चीज़ नहीं है। क्या पूजा पाठ करना खराब चीज़ होता है? नहीं होता ना, फिर भी इंसान ना चाहते हुए भी घंटियाँ ज़रूर बजाता है मंदिर में, वो दर्शन करने के लिए ज़रूर जा रहा है, चाहे कितनी भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, पर उसको अगर अपने भगवान से मिलना है तो वो मिलता ही है, उसके लिए तो वो अच्छा काम है ना। और कई लोग देखिए बोलते हैं कि आपको दर्शन वर्शन करने की क्या ज़रूरत है, जहाँ देखो वहाँ पर हरि के दर्शन, जहाँ देखो वहाँ पर राम नाम है ना। तो मानने में ही तो देरी है, मानिए तो चमत्कार है, नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं है। 10 मिनट अपने लिए दीजिए। त्राटक साइंस है, त्राटक जादू टोना बहुत से केसेस में, किताबों में, हर चीज़ों से, प्रैक्टिकल अनुभव से भी देखा गया है कि त्राटक को लोग गलत काम के लिए भी यूज़ कर लेते हैं, तो उससे नेगेटिविटी ही मिलती है। क्योंकि किसी के लिए भी आप गलत सोच के साथ कोई भी काम करते हैं तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही देखा जाता है। बट मैं नहीं मानती हूँ, मैंने अभी तक त्राटक से साइंटिफिकली जो भी रिजल्ट देखे हैं, जो भी अनुभव देखे हैं, जो एक्सपीरियंस देखे हैं, मैं उसी के बेसिस पे वीडियो बनाती हूँ और आप सभी के लिए वही एक
प्रैक्टिकल रिजल्ट लेके आती हूँ कि क्या त्राटक से हो सकता है, क्या त्राटक से नहीं हो सकता। जो चीज़ें नहीं हो सकती वो मैंने क्लियरली बोली हैं कि नहीं हो सकती है, लेकिन जो चीज़ें हो सकती हैं वो फैक्ट के साथ बोली हैं कि हाँ हो सकती हैं। तो अगर हम सिर्फ सारे ज्ञान को पुराने समय के साथ कैलकुलेट करेंगे, यानी कि हमारे सतयुग में जो चीज़ें होती थी कि किसी का स्मरण करना ही, किसी के बारे में सोचना ही, आकाश से हमारे भगवान साक्षात हमारे पास आ जाते थे, वैसी शक्ति इंसान के अंदर शायद ही अभी अर्जित हो जाए। क्योंकि देखिए, जब हम त्राटक करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तो बहुत से ऐसी रूपरेखा हमारे सामने आती है कि जब हम मेस्मराइज हो जाते हैं, हम बिल्कुल स्तब्ध रह जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये तो हमने कभी सोची भी नहीं थी। हमारी आँखें ऐसी फटी की फटी रह जाती है, एकदम से सेंसेशन होती है, थर्ड आई पर वाइब्रेशन होती है, हमारी इंट्यूशन काम करने लगती है, अलर्टनेस हो जाती है, हम अटेंटिवली उस ऑब्जेक्ट को और घूर कर देखते हैं। और जितना स्ट्रॉन्ग हमारा फोकस बनता है ना, उतनी ही फोकस हमारे विजन में, हमारी इंटेलिजेंस में बनने लग जाता है, हमारी कंसंट्रेशन इतनी अच्छी हो जाती है कि हमारे फोकस में और बारीकी से काफ़ी रिजल्ट दिखाई देने लगते हैं। तो निराश मत समझिए अपने आप को कि कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई आपके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, तो उस काम को आपने बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल मत करिए। 45 दिन कोई भी ऐसी बड़ी लंबी जर्नी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। 45 दिन अपने आप को समर्पण दीजिए, अपने काम को समर्पण दीजिए, थोड़ा सा समय निकालिए, 10 मिनट निकालिए। त्राटक की हर स्टेजेस में कुछ ना कुछ नया चैलेंज है, आपको कुछ ना कुछ नया अनुभव देखने को मिलेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। आज तक जिसने भी मेरी गाइडेंस ली है त्राटक से, वो बेहतर जानते हैं कि त्राटक क्या चीज़ है और त्राटक क्यों करना चाहिए। और भी ऐसी स्टेजेस हैं जो हम ध्यान में कराते हैं, बट जिसका जो इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग। तो त्राटक से डरिए नहीं, ना ही किसी और ध्यान से डरिए, अपने आप से, खुद से आपको लड़ना है, अपने चैलेंज को खुद आपको समझना है कि आप क्या कर सकते हैं। ज़रूर त्राटक करें, मेरी गाइडेंस में करिए, और जितना हो सकेगा हम खुली आंखों से रिजल्ट देखेंगे। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।